उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दो नन्हे बाघ शावकों की मौत हो गई। शव परीक्षण में नर बाघ द्वारा दोनों शावकों को मारे जाने की पुष्टि हुई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ताला परिक्षेत्र की कथली बीट में दो नन्हे बाघ शावकों की मौत हो गई। घटना स्थल पर नर बाघ, मादा बाघ और दोनों शावकों के होने की प्रमाण मिले हैं। माना जा रहा है कि नर बाघ ने इन्हें मारा है। दोनों शावकों की उम्र लगभग 15 से 20 दिन के आसपास की बताई जा रही है। बताया जाता है कि नर बाघ द्वारा दूसरे नर बाघ के शावकों को मारना उनके प्राकृतिक व्यवहार और क्षेत्र स्थापित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। गौरतलब है कि 4 दिन पहले ही बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया था। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पतौरकोर और मानपुर बफर में दो बाघिन अपने 3-3 शावकों के साथ दिखी हैं। पतौर की बाघिन टी 54 दूसरी बार माँ बनी है। मानपुर में भी एक नई बाघिन ने पहली बार 3 शावकों को जन्म दिया है। सभी बाघ शावकों की उम्र लगभग 3 से 5 माह की है। बांधवगढ़ में 120 से अधिक बाघ भागिन हैं, इनमें 80 मादा और 40 नर हैं। इस साल अब तक 4 बाघों की मौत हो चुकी है। अप्रैल में 2 बाघ आपसी लड़ाई में मारे गए थे और अब फिर से 2 बाघ शावकों की इसी संघर्ष में मौत हो गई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।